Hello student, I am MS Chauhan. So today we are talking about the numerical problems based on the Ampere's circuital law and its application. So Ampere's circuital law के based हम numerical problems करेंगे. तो first हमारा numerical problem है a solenoid of 2 meter long and have the 10 number of turns. If a current of 5 ampere is flowing through it, then find the मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट. तो हमें क्या निकालनी है, कोई सोलेनोइड है तो उसके अंदर क्या हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कि कितनी होगी. तो सबसे पहले हम देखेंगे गिवन क्या क्या दिया हुआ. तो एल लेंथ दी हुई है, एल इक्वल टू 2 मीटर, एन बराबर 10, आई इक्वल टू 5 एम्पियर करंट, और बी क्या हमको कैलकुलेट करनी है. तो हमें पता है कि इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड यानी सोलेनोइड के अंदर क्या होती है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन में एल. म्यू नॉट की वैल्यू रखेंगे 4π × 10⁻⁷. एन हमें 10 दिया हुआ है, ये हमारा क्या 5 अपॉन में 2, तो 2 से इसे कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो क्या आएगा हमारा 2π × 10⁻⁷, और ये क्या हो जाएगी −6. तो दिस इज इन द टेस्ला, ऐसा यूनिट टेस्ला. दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम. सेकंड इसी तरह हम ड्राइव करते हैं ए सोलेनोइड ऑफ 1 मीटर लॉन्ग. अब इस टाइम क्या सोलेनोइड 1 मीटर लॉन्ग दी हुई है, 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ है, तो सेज 15 नंबर ऑफ टर्न्स, तो 50 नंबर ऑफ टर्न्स दी हुई है. तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड एट वन एंड ऑफ द इनसाइड निकालनी है, और हमें वन एंड पे निकालनी है इफ 2 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू इट. तो हमें क्या निकालनी है, इसमें दो केस है, पहला कि इनसाइड निकालना है और सेकंड हमें निकालना है कि किसी एक एंड पे निकालनी है. तो क्या करेंगे हम इसमें, तो ए सोलेनोइड है तो डायमीटर, तो इट मींस सोलेनोइड क्या हमें टर्न करनी है, तो वो क्या बन जाएगी हमारी टोरॉइड. तो वे दो तरह से दे सकता है, या तो वो सिंपली टोरॉइड कह देगा या फिर वो डायमीटर देगा, तो हम क्या मानेंगे उसे सोलेनोइड को टोरॉइड मानेंगे. तो हम लिखेंगे तो एल बराबर 1 मीटर, डी डायमीटर दिया हुआ है, तो ये क्या हमारा सेंटीमीटर में, तो इसे हम क्या बना लेंगे 4 × 10⁻²⁺ मीटर आ गया. एन बराबर 50, आई बराबर 2 एम्पियर, बी हमें क्या निकालनी है, तो बी क्या हमें पता है टोरॉइड के कारण क्या होती है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr. तो यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू रखेंगे, एन की रखेंगे, आई की, और कैलकुलेट करके आएगा हमारा 10⁻⁵ टेस्ला. दिस इज आवर आंसर. तो इनसाइड क्या होगी हमारी 10⁻⁵, तो वन एंड फोर वन एंड फोर वन एंड, तो यदि हम एक एंड पे निकालेंगे तो ये क्या हमारी टोटल, तो एक एंड पे क्या हो जाएगी इसकी हाफ, बी इज इक्वल टू 0.5 × 10⁻⁵ टेस्ला. तो दिस इज आवर प्रॉब्लम. नेक्स्ट इसी सीरीज में हम आगे करते हैं थर्ड प्रॉब्लम. ए टोरॉइड हैज द कोर ऑफ इनर रेडियस, इनर रेडियस दी हुई है हमें, एंड आउटर रेडियस दी हुई है, अराउंड व्हिच ये नंबर ऑफ टर्न्स दी हुई है, ऑफ कॉपर वायर आर बाउंडेड, तो इतनी नंबर ऑफ टर्न्स उसपे बाउंड है, इनर रेडियस है, आउटर रेडियस है. इफ ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, यदि 4 एम्पियर करंट is flow in the wire, then what is the magnetic field? तो आपको magnetic field निकालनी है. Is first outside the toroid, toroid से बाहर निकालनी है. Inside the toroid on the core, जो inside the toroid जो core है उसके अंदर निकालनी है हमें. और in the empty space surrounded by और जो empty space होगा उसमें निकालनी है. तो आप पहले diagram बनाते हैं. तो ये क्या हमारी एक toroid है. तो first case हमें करना है कि outside. तो हमें ये क्या बाहर निकालनी है. ये toroid है हमारी. तो ये क्या बाहर निकालनी है हमें. सेकंड केस होगा बी, इनसाइड इस टॉरॉइड के अंदर क्या है. और थर्ड होगा सी कि ये जो एम्प्टी स्पेस है इसमें हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी. तो ये तीन केस हमारे ए बी और ए सी. तो हमारा क्या है, इनर रेडियस आर वन दी हुई है और आउटर रेडियस हमें आर टू दी हुई है. तो हम लिख सकते हैं तो आई इक्वल टू 4, आर वन दिया हुआ है, आर टू दिया हुआ, बी हमको निकालनी है. तो आर इक्वल टू क्या होगा, पहले निकालेंगे तो आर वन प्लस आर टू बाई 2, तो ये आ जाएगी हमारी मीन रेडियस. मीन रेडियस निकल के आ गया हमारी 11 सेंटीमीटर, और इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो हमें पता है पहला केस बी आउटसाइड द टोरॉइड, टोरॉइड के बाहर क्या होगी, कोई करंट नहीं है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी वो 0, तो बी इक्वल टू 0. सेकंड कोर पर क्या होगी हमारी, तो हमें पता है कि बी क्या होगी, म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2πr. तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे आप 4, तो म्यू नॉट की वैल्यू 4π × 10⁻⁷, एन रखी, आई रखी, तो क्या है एन कैंसिल करेंगे 2π से, ये कैंसिल 2 टाइम्स, अब मल्टीप्लाई करेंगे और हमारी आ जाएगी 24 × 10⁻³ टेस्ला. ये क्या हमारी इनसाइड द
टॉरेंट के अंदर आई। थर्ड जो केस है सी, इन द एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस में यहाँ पे भी क्या है, कोई भी करंट नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया हमारे जीरो। दिस इज द टॉरेंट प्रॉब्लम। तो इस तरह से आप और भी सैंपल प्रॉब्लम लगा सकते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ द एम्पीयर सर्किकल लॉ एंड इट्स